छतरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने आत्महत्या कर ली है। मुकेश ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें सामने आया कि वह ब्लैकमेल से परेशान थे। पुलिस ने बरामद किए गए सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो आनन फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया। चंदेला स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक को चंदेला के ही रहने वाले गुल्लू अंसारी और मानसी गुप्ता उसे ब्लैकमेल कर परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में मृतक ने एबीवीपी अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से न्याय दिलाने की मांग की थी। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं सहित वार्ड के तमाम लोग और परिजन एकजुट होकर चंदेला थाना पहुंचे। उसको उसने फांसी लगा ली सर। कोई सुसाइड नोट मिला है क्या? जी मिला है। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था गुल्लू अंसारी और एक लड़की का नाम है, मुझको लड़की का नाम ध्यान नहीं है, उन दोनों ने मानसी गुप्ता उन दोनों ने इसको प्रेरित किया है और उत्साया उसने डिप्रेशन में आके फांसी लगा ली है। थाने किस लिए आए थे? थाने इसीलिए आए थे कि जो जिनके भी नाम है उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आज सुबह एक थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक वार्ड क्रमांक 15 के गुप्ता लड़के ने फांसी लगा ली है, तो उसमें हमने मर्ग कायम करके और जांच अधिकारी को जांच करने के लिए भेजा है। तो मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, तो मृतक के जो परिवारजन हैं वो लोग आए थे थाने पे और उनका ये कहना है कि जो सुसाइड नोट में जिनके भी नाम हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो हमने उनको समझाया, उनसे बातचीत की है कि सुसाइड नोट में जो भी नाम है उनके ऊपर बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि उसको सुसाइड नोट को हमें उसकी मृतक की अन्य जो राइटिंग है उससे मैच करना पड़ता है। तो जैसे ही वो जांच रिपोर्ट आ जाएगी हम तुरंत उन पर कार्रवाई करेंगे। तो मान गए हम मृतक के परिवार लोग।